द्रौपदी मुर्मू ने 64% वोट पाकर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उन्हें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से बम्पर समर्थन मिला। वहीं देश भर से 126 विधायकों और 17 सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर उनके लिए क्रॉस वोटिंग भी की है। तो वहीं देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहां उन्हें अधिकतम 12.5% वोट ही मिला। सबसे कम केरल में उन्हें 0.7% मतदान ही मिले, जहां उन्हें एकमात्र विधायक ने वोट डाला। इसके अलावा तेलंगाना में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में महज 2.6% ही वोट पड़े। यहां टीआरएस के बड़े बहुमत के साथ सरकार है, जिसके नेता के चंद्रशेखर राव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया था। इसके अलावा पंजाब में भी 7.3% ही वोट मिले। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायकों ने भी यशवंत सिन्हा को ही वोट डाले और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। ऐसा ही हाल दिल्ली का रहा, जहां द्रौपदी मुर्मू 12.5% वोट ही हासिल कर पाई। तमिलनाडु जैसे राज्य में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है, लेकिन यहां द्रौपदी मुर्मू को 31% वोट दिलाने में सफल रही है।